हार की तरफ पॉइंट लिखते हैं। क्या बात? शीतल सी ज्वाला कहूं या कहूं दमन की आमिनी, मन में एक तूफान लिए तुम फिरती हो आमिनी। ओह माय गॉड, तुमसे ही है हर सपने मधुर, तुमसे ही है आकृति। तुम हो ऐसी आकृति, यू ऐसी आकृति। अरे पीटर, कंट्रोल कंट्रोल पीटर, कंट्रोल कंट्रोल पीटर, कंट्रोल पीटर। एक मिनट, कहाँ है पैसे? काम हो जाएगा। अरे फिकर मत करो। What काम डूड? अब गेम में क्या आएगा नहीं आएगा इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बॉस। रघु सब कुछ अंदर ला सकते हैं। अब तो गेम रॉक करेगा। आते ही साथ मेरे कुछ मैगजीन्स पकड़ी गई थी। वो बहुत जानता है। जानता है। गीदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ भागता है। अरे क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? क्यों मौका दे रहे हो अफसर लोगों को कि वो तुम्हें निकाल दें? मुझ पर भरोसा रखो। भरोसा और तुम पर? अरे जहाँ का नमक खारा होता ही के नियम तोड़ रहे हो तुम। तुम्हारी शिकायत कर देंगे ना तो ये आप चटनी उतर जाएगी तुम्हारी। क्या कर रही है? अरे पैंट में मत पहुंचो। उसकी बात मत सुनो। ये लो और एक बुके ले आना। किसके लिए? मार्की द पोएट अपनी चंबल क्वीन आकृति को देगा तो उसका बर्निंग हार्ट व्हाट डू यू कॉल इट ठंडा रश सर कुछ नहीं है कुछ जूनियर बॉयज हॉस्टल में। इस तरह के बिहेवियर के लिए केएमए में कोई जगह नहीं। आप लोग केएमए छोड़ के जा सकते हैं सर। वो ऐसे बिहेवियर की ना ही वजह हो सकती है ना ही एक्सप्लेनेशन। आज से एक हफ्ते तक नो फोन कॉल्स, नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और ना ही ये वीकेंड ऑफ मिलेगा। मैं क्लियर? बच्चा 10 मिनट में रूम साफ होना चाहिए एंड लाइट्स टर्न्ड आउट। अगर तुम्हारी वजह से मुझे इस अकेडमी से निकलना पड़ा ना तो मैं तुम्हारे बॉडी से ही चंबल के रॉक्स पर ड्रम्स बजाऊंगा। वॉच आउट। अरे वॉच वूच रहने दो ना। अगर हम इतने से गए तो हम तुम्हारे मौके के अंदर हाथ डालकर तुम्हारी अतड़ या संगे लेके जाएं। मिल गया। क्या देख क्या रहे हो? रूम क्लीन करो। ये आओ करो। कैप्टन गंदावा के चेक करेंगे। करो करो, मैं तो जा रहा हूँ सोने। तुम भी।
ऐसे शुक्रिया कैप्टन, वही लक्ष्मण ने इसकी काटी थी। आकृति भट्ट का गुस्सा ऑलरेडी केएमए में फेमस है सर, आप चाहें तो मेजर जनरल गौर से पूछ सकते हैं। पहले दिन से उसने मेजर जनरल से मैं बाद में बात करूंगा, इस वक्त मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूं। कैप्टन धावा सर, एंगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम तो है ही, स्टंट वुमन होने की वजह से उनमें जोश और उत्साह घुसा नहीं, जिसकी वजह से वो खुद को बाकी से सुपीरियर मानती, इसलिए उन्हें किसी एक टीम में रखना थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर फिर भी क्या क्या पूछा हाँ? फिर भी इसने अभी तक किसी का खून नहीं किया, क्या हम इस बात का वेट करें? सर देखिए, यस सर, कैडेट आकृति भट्ट को अंदर भेजो। यस सर। कैडेट आकृति भट्ट, कल हम तुम्हारे जिस रवैये की तारीफ कर रहे थे, आज उसी के खिलाफ हमें एक्शन लेना पड़ रहा है। अपने अंदर की आग और जोश को तुम अपने काबू में नहीं रख पाते, आज तुमने मेजर शर्मा को चोट पहुंचाई, कल तुम किसी और को। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी सर, और मैंने तो तुमसे जवाब नहीं मांगा है कैडेट आकृति भट्ट। बात बीच से नहीं कर सकती हो, ये एक मिलिट्री एकेडमी है और तुम एक सीनियर ऑफिसर के सामने खड़ी हो। हम तुम्हें ट्रेनिंग देकर एक सोल्जर बनाना चाहते हैं, तुम्हें सिर्फ फिजिकली फिट ही नहीं बल्कि मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ताकि तुम दुश्मनों के इमोशनल और साइकोलॉजिकल अटैक को झेल सको। तुम्हारे इस एंगर प्रॉब्लम को देखते हुए हम क्या उम्मीद रखें तुमसे? यहां केएमए का सबसे पहला लेसन है, अपनी टीम के बारे में सोचो, खुद के बारे में नहीं। अगर तुम तो टीम से पहले खुद को और खुद से भी पहले अपने गुरूर को अपने सामने रखती हो। जाओ बाहर जाकर लिख करो। यस मेजर शर्मा, तुमने भी सोचा है? सर हम उसे 7 दिन का नोटिस देते हैं, अगर उन 7 दिनों में उसने कोई गलती की तो उसे केएमए से निकाल दें। I beg your pardon, हमें लगता है करण भट्ट को एक और मौका मिलना चाहिए। हमने उन्हें सिर्फ रोजमर्रा के माहौल में देखा है सर, एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? सर हमारी ये राय है कि वॉर कंडीशंस में यही गुस्सा और जोश देश के काम आ सकता है सर। सर हमें लगता है कि कैडेट भट्ट में एक फायर है, हमें इस फायर को दिशा देने की जरूरत है, दबाने की नहीं। इस फायर को दबाने से हम एक अच्छा सोल्जर खो देंगे सर। हम खो सकते हैं कैप्टन चौहान, केएमए की डिसिप्लिन, केएमए का रेपुटेशन। लगता तो सीखा नहीं। Dude, मालूम है अरे फिल्म में हीरो तुम हो और हीरोइन वो, तो उस फिल्म का नाम क्या होगा? गेस ना। नहीं मालूम, मैं बताऊं? डाकू हसीना। तुम डाकू? वो हसीना, अरे वो पुरानी वाली सीक्रेट फिल्म थी ना, और इस न्यू वर्जन में वांडर क्वीन अक्रिति। एक बात बताओ यार, ये पक्की है बिना खाना नहीं पचता क्या तुम? उसे वैसे ही एकेडमी से निकाल रहे हैं, मैं तो बस उसके लिए करियर ऑप्शन ही सजेस्ट कर रहा हूँ। वो तो वैसे ही तो क्रिकेट तो है ही, ओरिजिनल विन बनने में कोई मुश्किल नहीं, और तुम तो वैसे ही डाकू के
अरे अरे अरे, टेंशन क्यों ले रहा है बॉस? जब प्यार किया तो डरना क्या? क्या रमी भाई, अब आप भी? मैं भी क्या, वैसे लगता नहीं होगा पर मैं भी सच्चे प्यार में विश्वास रखता हूँ। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर जब भी मैं तक। क्या किया मैंने? Give love, take love. पिछली बार एनिमी अटैक की वजह से हमारी बात अधूरी रह गई थी। एनिमी अटैक? अरे तुम भूल गए, तुम्हें याद नहीं है? अरे मेरे सर पे प्लेट से हमला हुआ, दुश्मन मेरे ऊपर था और गाड़ियों से मेरे ऊपर फायरिंग हो रही थी। अगर तुम मेजर जनरल का बेटा नहीं होता ना, तो मैं देखती कि तुझे केएमए में कैसे एडमिशन मिलता। मुझे पता है मुझे हर बात मजाक में उड़ा देने की आदत है, लेकिन आज मैं मजाक में भी मजाक नहीं कर रहा। I'm very serious. तुम्हें दिल से, जहाँ से, तन से, ईमान से, हर तरह से बहुत बहुत प्यार करता हूँ। तुम ठूसो, मैं मिशन पे जा रहा हूँ। हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं मेजर। लेट मी रिमाइंड यू, जब सबसे पहली बार हमने उनकी एप्लीकेशन पढ़ी थी तो हम ही ने रिजेक्ट की थी, तब आप उन्हें एक और मौका देना चाहती थी। आप कहना चाह रही हैं उस वक्त आपसे गलती हुई, क्या उस गलती को सुधारने का ये तरीका? कैप्टन अभिमन्यु, तुम मुझे शर्मा के बजाय हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ तो बेहतर होगा। जी सर। इससे पहले कि पानी सर से ऊपर चला जाए हमें कुछ करना होगा। आई एग्री सर, पर पानी को रोकने के और भी तरीके होते हैं सर। ओह यस, कैप्टन अभिमन्यु चौहान के अल्टरनेटिव थेरेपी टेक्निक्स। जी हाँ सर, हम पत्थर को फूलों से मोम बनाने में विश्वास रखते हैं, पर ये बात मेजर साहिबा नहीं समझी। लेकिन कल अगर वो गुस्से में कोई संगीन जुर्म कर बैठी तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी? तुम उसे आखिरी मौका देने की बात कर रहे हो, क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लोगे? हम करेट भट्ट की जिम्मेदारी लेंगे सर। तो ठीक है कैप्टन, इसका मतलब यह हुआ कैडेट आकृति भट्ट की अगली गलती पर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी सर। मेजर शर्मा, ये कौन सी फाइल है? सर ये छोटा सा मैटर है, मैं खुद संभाल लूंगा। ये मैटर छोटा नहीं है मुझे, इस फाइल में मेंशन किया है कि कैडेट विद्या सक्सेना किसी मानसिक दबाव में उसे पुराने किसी सदमे की वजह से फिट्स आते हैं। सर डॉक्टर शालिनी ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, शायद हमारी एकेडमी की ट्रेनिंग में शायद के लिए कोई जगह नहीं है मेजर। मैं कैडेट विद्या सक्सेना से खुद बात करूंगा। यू मे लीव।
पहले विद्या सक्सेना को मेरे ऑफिस में रिपोर्ट करने की कहो। कोई बीमारी नहीं है सर, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उससे मुझे ताकत मिलती है आगे बढ़ने, अपने देश के लिए कुछ करने की, इसीलिए मैं यहाँ आई। तुम जिसे ताकत समझ रही हो ना कैडेट, उसे दुश्मन बहुत आसानी से तुम्हारी कमजोरी बना सकता है और तुम्हारी उसी कमजोरी का फायदा उठाकर वो तुमसे मिलिट्री सीक्रेट्स निकलवा सकता है, देश को नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हें सोल्जर बनाने में सिर्फ आर्मी को नहीं पूरे देश को खतरा है। ऐसा मत कहिए सर, मैं एक बहुत अच्छी सोल्जर बन के दिखाऊंगी, एक मौका तो दीजिए। आप मेरी ग्रेड देखिए, मैंने हर टेस्ट टॉप किया है और आगे भी करूंगी। आप मुझसे कोई भी टेस्ट ले लीजिए सर। कैप्टन धवा, प्लीज कम टू माय कैबिन। हम मानते हैं कि इसके ग्रेड्स अच्छे हैं कैप्टन, मगर हमारे सामने एक रिपोर्ट भी है जिसके मुताबिक उसका बैकग्राउंड उसके कोर्स के लिए ठीक नहीं है। सर, बैच के सिलेक्शन में हमने बैकग्राउंड को अहमियत नहीं दी। मतलब ये कि इस बैच में हर तरह के लोग हैं, चाहे एक तरफ आकृति भट्ट जो एक स्टंट वुमन रह चुकी है, कहीं दूसरी तरफ पूरी विश्व भी है जो सुपर मॉडल थी, मार्कंड मल्ला के फादर डाकू, तो रमी गौर के फादर मेजर जनरल, वहीं पीटर सबनेस, सर वो तो म्यूजिकल शोज में पार्टिसिपेट करता था, गाना गाता था वहाँ पे। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए इनकी आज की अहमियत बनी चाहिए। अगर आज ये खुद को साबित कर सकते हैं तो इनका बैकग्राउंड हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता सर। ठीक है कैप्टन, हम उसे अपने आप को साबित करने का एक मौका और देते हैं। तुम उसकी मेंटल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए उस पर एक टेस्ट कंडक्ट करो, उसके बाद मुझे रिपोर्ट करो। मुझे खुद पर यकीन है सर, मैं ये टेस्ट जरूर पास करूंगी। चलिए सचा, थैंक यू। सच उगलवाने के लिए ये जानना चाहता है कि आप कब झूठ बोल रहे हैं। उसी तरह मैं भी आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। हर सवाल के जवाब में आपको झूठ बोलना होगा, इस लाइ डिटेक्टर को धोखा देना होगा। कैसे? अगर इस मशीन को लगता है कि आप सच बोल रहे हैं तो लाइन जैसे सीधी आएंगे। और अगर ये मशीन आपकी झूठ को पकड़ लेती है तो लाइन कुछ ऐसी हो जाएंगे। हर सवाल के साथ मैं आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाता जाऊंगा। अच्छा, आप मेंटली कितनी स्ट्रांग हैं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.